الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله خالق كل شيء سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم अल्ला मसलिल से दिना व मौलाना मोहम्मद अल अली दिना व मऊलाना मोहम्मद उबारिक वसलम अल्ला मसलिल से दिना व मौलाना मोहम्मद एवं अल अली दिन व मऊलाना मोहम्मद एबारक वम आज दो नाम हैं अक जला जलाबारी जल जलाखालिक का मतलब पैदा करनेबारी वजूद में लाने वाला इन दोनों नामों के तहत चार तारीफें बयान की जाती है। इमाम हैं इमाम खताबी रहमतुल्लाह फ़रमाते हैं अल अलखालक वो जात है जो मखलूक को आदम से वजूद बख्शने वाली है जब कुछ ना था तो उसको वजूद देना आदम से मौजूद लाना और उन्हें बग़ैर किसी नमूने और मिसाल के पैदा करना इंसान को जब अल्लाह ने बनाया जब पहले इंसान को बनाया तो अल्लाह के पास कोई पहले से बनी हुई मिसाल मौजूद नहीं थी आदम से वजूद बगैर किसी नमूने और मिसाल के लाना यह है, है अल्लाह अकबर क्या अल्लाह के सेवा भी कोई खालिक है अल्लाह पूछते हैं हल मिन खालिक दूसरी बात अमा जब राम फरमाते जला वो जात जिसने मखलूक को इस तरह पैदा किया कि वह हर किस्म की कमी से पाक है महामानत फर्जरा देखने वाले अल्लाह की रहमान की पैदाइश में कोई फर्क नहीं पाओगे फिर देखो बार बार देखो तो मैं कुछ रखना नजर नहीं आएगा सिर्फ आसमान ही नहीं अल्लाह ताला की हर मखलूक में ये बात मौजूद यानी उसने हर चीज को ऐसा बराबर ऐसा बेहतरीन पैदा किया कि कोई नुस्ख उसके अंदर मौजूद नहीं हर चीज इंतहाई मौजू और बेहतरीन तरतीब के ऊपर है आसमानों से लेकर फजाओं तक फजाओं से लेकर जमीन तक जमीन के अंदर तक इंसान और इंसान के अंदर तक जितनी चीजों पर इंसान गौर करता चला जाए ये गवाही देती है कि इन सब का बनाने वाला कोई एक है ऐसा नहीं कि आसमानों का खुदा और जमीन का खुदा और इंसानों का खुदा और जानवरों का खुदा और समंदरों का खुदा और ऐसा नहीं कोई भी इंसान जो अल्लाह ताला की मखलूक के ऊपर गौर फिक्र करे बिल आखिर वो इस नतीजे पे पहुंचेगा कि बनाने वाला कोई है और वो एक ही है ये दोनों नतीजे पे पहुंचेगा जिसने भी जमीन और आसमान के निजाम पर गौरव फिक्र किया ना वो अल्लाह को माने बगैर रह नहीं सकता किसी वजूद को माने बगैर रह नहीं सकता ये पक्की बात है हाँ हट झरमी वो अलग मामला है चौथी बात तीसरी तारीफ के अंदर तीसरी बात खालिक आदम अल्लाह इज़्ज़त खालिक आदम है कि उन्हें आदम से वजूद में लाया बारी आदम है कि खास अंदाज से पैदा किया मुसवरी आदम मुश्विर आदम इंसान मुश्वर इंसान मुश्वर आदम है कि उसके खास शक्ल और सूरत और जिसम किया अल्लाह ताला खालिक है यानी मुकद्दर करने वाला बारी है यानी जारी और जाहिर करने वाला बनाने वाला भी है ऑपरेट करने वाला भी है दोनों है पूरी कायनात में अल्लाह के सिवा कोई ऐसा नहीं है जो तकदीर और तनफीद दोनों पर कादिर हो क्या मतलब जो एक अंदाजे से चीज को बनाए फिर उसे चलाए फिर उसमें कभी कहीं फर्क ना आए ऐसा और कोई नहीं दुनिया में बहुत सारे लोग आइडिया प्लान करते हैं चीजों को सोचते हैं तरतीब देते हैं लेकिन वो अपनी बनाई हुई तरतीब को अपनी मर्जी से चलाने पर कुदरत नहीं रखते ये पक्की बात सिर्फ एक अल्लाह की जात है जिसने बनाया तो बनाने के बाद हर चीज उसी के कंट्रोल में है और उसी के निजाम के हिसाब से चल रही है इसमें मुबारक कुरान मजीद में, में नौ मरतबा आया और अलबारी तीन मरतबा आया कुदरत ने अपने निजाम में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी बेहतरीन सारी कायनात नीचे से ऊपर ऊपर से नीचे दाएं से बाएं एक कानून के मुताबिक चल रही है और एक दूसरे के साथ जट, बिल्कुल हुई है कुरान मजीद में अल्लाह इज्जत ने अपनी इस तखलीक की सिफात को बहुत खोला बार बार कहा अरे आसमान को देखो जमीन को देखो अपने अंदर ही देखो तुम्हें मैं नजर आ जाऊंगा तुम्हें मैं नजर आ जाऊंगा अल्लाह इज्जत ने इस कायनात को पैदा किया पैदा करने के बाद चला रहा है और निजाम बनाया और बिला शिरकत गैरे बनाया अल्लाह खालकई शै वकील Allah ही हर चीज का पैदा करने वाला और वही हर चीज का रखवाला है एक जगह फरमाया फकून बेशक अल्लाह दाने और घुटली को फाड़ने वाला है वो जानदार चीजों को बेजान चीजों से निकाल लाता है वही बेजान चीजों से जानदार चीजों को निकालने वाला है लोगो वो है अल्लाह लोगो वो है अल्लाह फिर कोई तुम्हें बहकाकर अंधी तरफ कैसे कोई लेके जा रहा है तो कुरान मजीद कैसी मिसालें दे रहा है जमीन आपने अगर एक फुट खोदना हो तो उंगली से खोद सकते हैं कोई ना कोई चीज चाहिए होगी लोहे की कोई चीज चाहिए होगी फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी ये दाना गंदम का दाना कोई और दाना इससे भी बारीक दाने होते हैं कितना बेजान और कमजोर फूक मारा उड़ के गायब हो जाता है कुछ नहीं कर सकता आपने उसको अंदर डाल दिया तो अंदर डालने के लिए मेहनत तो आपको करनी पड़ी अब अंदर से वो बेजान दाना कुछ वक्त के बाद फटता है उसको फटता कौन अल्लाह उसके अंदर एक नर्म और नाजिक सी घूमपल निकलती है वो जनाब एक एक फुट दो दो फुट जमीन को तोड़ती हुई निकलती हुई बाहर निकलती है ये कौन निकाल रहा है क्या वो अपनी कुदरत से निकल रही है या अल्लाह के सिवा को और निकालने वाला है ये सिर्फ ही की कुदरत है अल्लाह ताला यही तो फरमा रहे हैं कि दाने और गुठली को फाड़ने वाला कौन है ये खुद ब खुद नहीं हो रहा कोई करने वाली जात है जो कर रही है अंडे को आपने देखा बेजान वो मुर्गी के अंदर रहे कुछ अरसा मुर्गी के नीचे रहे उसको एक मुनासिब हीट मिलती रहे उस बेजान अंडे में जहां ना गजा अंदर जा सकती ना हवा ना पानी जिंदगी की कोई चीज अंदर दाखिल नहीं हो सकती मुकम्मल सील्ड उसके अंदर अल्लाह ताला एक जानदार को पैदा करते हैं जब वो निकलता है तो चूचू करता हुआ बाहर जा रहा होता है मुर्गी का बच्चा निकला वो चूचू करता हुआ जमीन के ऊपर जा रहा है बत्तख का बच्चा निकला वो अपनी नवाज़ आवाजें निकालता वह पानी के अंदर जा रहा है मुर्गी का बच्चा चूजा जब निकलेगा वो पानी से डरेगा वो पानी में नहीं उतरेगा बतख का बच्चा जब अपने अंडे से बाहर निकलेगा वो सीधा पानी पे जाएगा तो बेजान से जानदार को निकालने वाला पैदा करने वाला और उनको समझ देने वाला उसके अंदर पूरी उसकी जरूरत का इल्म रखने वाला ये कौन कह दे अल्लाह ये अल्लाह ही कर सकता है कोई और नहीं कर सकता जमीन के गौर कर लीजिए अल्लाह फरमाते भी हा वह कुल वही है जिसने तुम्हारे लिए जमीन को राम कर दिया तुम इसके मुंडो पे चलते हो इसका रिस्क खाओ और दोबारा उसी के पास जाना है ये जमीन तो एक है लेकिन इसके अंदर अजीब अजीब मामला पानी एक है लेकिन उसके अंदर अजीब अजीब मामला गौर करिए वर्दी किताजा वजन्नात मिनवानू वनवानी बीमा जमीन के अंदर किताब मुख्तलिफ है कहीं सख्त है कहीं बहुत नरम कहीं दलदल किस्म की कहीं बंजर कहीं सरसब्ज हर तरह की जमीनें कोई जमीन ऐसी है वहां चावल बहुत अच्छा आता है कोई जमीन ऐसी है गंदम और किसी जगह कपास अच्छी आती है कहीं पे जनाब फ्रूट कोई खास जो फल है आम है ये जी मुल्तान का बड़ा अच्छा है जी शोजाबाद का बड़ा अच्छा है जी अंगूर वो जी गिलगित के इलाकों का अंगूर बड़ा अच्छा है जी तो जमीन एक लेकिन हर हर तरफ उसके रंग जुदा जुदा पानी एक तमाम चीजों को पानी लगता है भाई चावल को पानी चाहिए फलों को पानी चाहिए दरख्तों को पानी चाहिए हर सब्जी को आलू को पानी चाहिए सबको पानी चाहिए लेकिन वो पानी हर एक को फायदा पहुंचा रहा है अगर पानी का खुदा और जमीन का खुदा और तो ये निजाम कहीं तो लड़ाई हो जाती है ना दोनों की तो कोई ऐसी अख्तिलाफ की बात ही नहीं ये पूरा एक मुनजम निज़ाम अल्लाह रबुल ने बनाया जमीन पर थोड़ा सा गौर करते हैं ये जमीन घूम भी रही है तो आगे चल भी रही है एक ही वक्त में दोनों काम ये अपने एक सर्कल में घूम रही है ये जो 24 घंटे में पूरा होता है तो दिन और रात का आना जाना इसके घूमने से होता है फिर ये अपने एक ऑर्बिट में आगे बढ़ रही है एक साल में ये पूरा साल एक पूरे साल में सूरज के गिर्द अपने ऑर्बिट में चक्कर लगा लेती है अब जरा गौर करें घूम भी रही है आगे बढ़ भी रही है स्पीड कितनी है एक हजार किलोमीटर फी घंटा इतनी स्पीड है मुझे और आपको कभी महसूस हुआ हम आराम से चल रहे फिर रहे कोई परेशानी नहीं फिर कमाल देखें ये हमारे बैठे अहमद साहब कौन से टोयोटा में होते होंडा में होते टोयोटा में होते ये याद नहीं रहता ये जी टोटा मोटर में, में जो है वो सीनियर पोस्ट के ऊपर है इधर इनसे पूछ लीजिए इनके पास वर्कशॉप भी होगी हम सबको भी पता है गाड़ी का व्हील गाड़ी का वजन कितना और हुजूम कितना और स्पीड कितनी जमीन से तो हर चीज थोड़ी चंद ग्राम का फर्क आ जाए तो गाड़ी को आप चलाए ना अस्सी सौ पे वो जनाब ऐसे हिल रही होती है बैठने नहीं देती क्या जी व्हील बैलेंसिंग करवाओ इस जमीन को जब से अल्लाह ने बनाया आज तक व्हील बैलेंसिंग की कोई जरूरत तो नहीं हुई इतने से व्हील के ऊपर जरा से गिर, चंद ग्राम की खराबी आ जाए तो पूरी गाड़ी हिल रही होती है अल्लाह ने कैसा इसको बनाया हुआ है तो ये देखें और गौर करें ये जमीन अगर बहुत नरम होती तो हम रह नहीं सकते बहुत सकत सख्त होती घर नहीं बना सकते अल्लाह ने इसको मतदिल बनाया बाद, बाद जगह जो सख्त है वहां इंसान घर नहीं इस तरह से बना सकता खेत नहीं बना सकता वो उनके अपने फायदे फिर इस जमीन के अंदर अल्लाह ने क्या क्या नहीं रखा जो पहली इसकी ऊपर वाली लेयर है क्रस्ट कहते हैं उसको उसमें क्या कुछ है मेरे और आपके लिए सभी कुछ उसमें रखा हुआ लोहा यहां से निकलता है एल्युमिनियम यहां से निकलता है सिलिकॉन यहां से निकलता है पेट्रोल और जमीन के अंदर गैस के कितने हैं सोने और चांदी के कितने खायर हैं कुछ अरसा पहले एक साहब ने बताया पाकिस्तान है बलोचिता पाकिस्तान के अंदर बलुचिस्तान के एक इलाके में इतना सोना है कि सत्तर साल सोना और तांबा दो चीजें बताई कि इतना सोना है जो बीस साल तक चौबीस घंटे निकाला जाए तो वो खत्म ना हो और तांबा सत्तर साल तक नॉन स्टॉप निकाला जाए तो खत्म ना हो उसके बाद अगला भी और पूरी दुनिया में क्या क्या अल्लाह ने रखा कितनी मादनियात कितनी नमकियात क्या कुछ अल्लाह ने रखा ये सब अल्लाह ने बनाया हुआ अल्लाह फरमाते है, देखो इस पर गौर करो तुम्हें मैं नजर आ जाऊंगा अकल से काम तो लो जमीन एक हवा एक पानी एक सूरज की तपिश एक तमाम फलों और तमाम सब्जियों के जायके रंग जुदा जुदा कोई मीठा कोई कड़वा कोई बहुत पसंदीदा कोई कम पसंदीदा साइज सबके जुदा जुदा उनकी तासीर सबके जुदा जुदा तो ये सब कौन है जो इस रंगा रंग के रंगा और रंगी के साथ इतनी चीजों के साथ इंसान को ये चीजें दे रहा है अल्लाह अल्लाह ताला अपना तारुफ करवाते हैं कुरान में फरमाते हैं फल फलियन इंसान इंसान अपने खाने को तो तू देख शक्का सबक नलमा हब्बा गुलबा कसबाई वअब्बा इंसान अपने खाने को तो देख हमने ऊपर से खूब पानी बरसाया फिर जमीन को अजीब तरीके से फाड़ा फिर इसमें गल्ले उगाए अंगूर और तरकारियां जैतून और खजूर और घने घने बागात मेवा और चारा ये चारे का भी अल्लाह ने जिक्र किया जानवरों को चारा ही जाता है ये सब अल्लाह रबुल इज़्ज़त, और जिस पानी से पैदा होता है और जिस पानी की जरूरत पड़ती है वो एक ही हर एक के लिए मुख्तलिफायद बन के बाहर आता है फिर जानवरों के अंदर अल्लाह फरमाते हैं वह लगुम बोरा तुम्हारे लिए इन जानवरों के अंदर भी सोचने समझने के लिए बड़ा कुछ है भाई तुम्हारे लिए जानवरों में बड़े सोचने समझने का मामला है इनके पेट में एक तरफ गोबर एक तरफ खून दरमियान में से खूबसूरत साफ सुथरा दूध निकलता है खालिश लबन खालसा सा पीने वालों के लिए बड़ा मजेदार एक तरफ हर जानवर के पेट में बड़ा ये फुदला मौजूद रहता है और खून भी लेकिन जब दूध निकलता है तो ना उसमें खून का कोई रंग होता है ना फुजले की कोई बदबू ये पाक साफ होता है निकल कहां से रहा है फिर हम जब बोतल रखते हैं ना ये पानी का गिलास हमने सीधा रखा है अगर बोतल होती पानी की दूध की जूस की तो वो भी सीधी रखते उसका ढकना ऊपर होता ऐसे ही है ना हम जब बोतल रखते हैं तो ढकना ऊपर रखते हैं अल्लाह ताला ने दूध की जो दो बोतलें बनाई हैं उनके ढकने नीचे फिर तो उसमें घंटों भी रहे तो खराब नहीं होता हमें जैसे ही दूध बाहर निकालना होता है तो उसको ठंडा करना है उसको फ्रिज में रखना है कहीं महफूज रखना है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी भी पड़े यो ना उस बोतल उल्टी लटकी हुई बोतल में दूध नहीं खराब होता क्या अल्लाह ने निजाम बनाया हुआ ये कोई है करने वाला सिवाय अल्लाह के कोई नहीं कर सकता ये गाय या भैंस जिससे दूध निकल रहा है उस गाय का अपना फेल है या किसी इंसानी अकल ने कोई ऐसी जिंदा मशीन बना ली है कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं ये क्या है ये उस अल बारी जल्ला जलालहु की कुदरत है और कुछ भी नहीं एक जगह अल्लाह तुझते अफिल्ला अल्लाह के बारे में शक है जो सारे आसमानों और जमीन का बनाने वाला है खालिक खालिख वर्ज आया तुल और उनके लिए जो यकीन करने वाले हों जमीन में बहुत सारी निशानियां हैं आसमानों को देखें तो वहां अजीब निशानियां ऑक्सीजन फजा में है ज़रा सी कम हो जाए तो मौत बढ़ जाए तो मौत फिर आसमान जमीन और सूरज को आपस का फासला है ये तकरीबन तिरानवे मिलियन माइल्स है। अच्छा आसमान की वसुतें कितनी है ये सूरज है उसका पूरा खानदान ये निज़ाम शमसी इसी तरह और बहुत सारे निज़ाम उनके सूरज हैं उनके खानदान हैं निज़ाम है, उनके अपने अपने निज़ाम मिल्की वेज हैं कहकशाएं कह है। जो हमारी कहकशा है ना इसमें सूरज है और बहुत सारी चीजें इसके अंदर जमीन भी है जिसमें मैं और आप रहते हैं अगर कोई शख्स ये चाहे कि मैं कोई नक्शा बनाऊं मैप और उस नक्शे में मैं जमीन को भी दिखाना चाहूं पूरे मिल्की वे में जमीन कहाँ एग्जिस्ट करती है तो कितना बड़ा पर्चा चाहिए होगा ये सुन लीजिए देखें अगर सिर्फ इस घर का नक्शा बनाना हो ना तो छोटे से कागज पे बन जाएगा लेकिन ये पूरी एवन सोसाइटी का बनाना हो तो उसके लिए बड़ा कागज चाहिए और पूरे लाहौर का बनाना हो तो फिर और बड़ा चाहिए अगर डिटेल में हम चाहते हैं कि ये वाला घर नज़र आए थर्टी वन एवन नज़र भी आए तो फिर हमें और बड़े पे जाना पड़ेगा अब गौर कीजिए अगर कोई शख्स ये चाहे कि हमारे मिल्की वे में इस निज़ाम शमसी में निजाम शमसी को हम एक पेपर पे लाएं नक्शा बनाएं और उस नक्शे में पूरी जमीन को अपनी जात नहीं अपना घर नहीं इस पूरी जमीन को एक नुक देनी चाहे एक नुक्ते को जाहिर तो से नजर तो आ जाए वो नुक्ते तो कितना बड़ा पेपर चाहिए होगा तकरीबन 150 किलोमीटर लंबा चौड़ा कागज हो ना उस पर ये निजाम बने और उसमें जो जमीन पूरी जमीन को जो जगह मिलेगी वो एक नुकता होगी तो सिर्फ एक नुकता देने के लिए एक किलोमीटर चाहिए और जमीन को और ज्यादा बड़ा दिखाना हो अच्छा चले जमीन को छोड़ें ये जमीन के अंदर किसी को दिखाना हो घर भी बड़ा होता है अपने आप ही को देखना हो तो किधर नजर आएगा और फिर ये एक कहकशा एक ये तो कितनी है फिर ऊपर आसमान दर आसमान सात आसमान उस करीम परवरदिगार पे कुर्बान जाइए फरमाया ना आन तो मशद बना मशदुखल तुम्हें बनाना पांच फुट फुट का मुश्किल था ना आसमानों के निजाम को इन तो को बनाना को बड़ी बात थी लेकिन वो करीम परवरजिगार हर एक से अलग अलग मोहब्बत करता है जो यहाँ पुकारे उसकी सुनता है इतने बड़े नक्शे के ऊपर जमीन एक नुकता हो और उस नुकते के अंदर सात अरब आदमी हो क्या हैसियत है इस पूरे निजाम के सामने इस इंसान की को बनती है कोई हैसियत कुछ भी तो नहीं लेकिन अल्लाह ने सारा कुछ इंसान के लिए बनाया इसको कहा तू मेरा बन जा भाई ये सब कुछ तुम्हारे लिए है तुम मेरे हो तुम मेरे बन जाओ अल्लाह कितनी मोहब्बत करते हैं बंदा कितना आजिद और मिस्कीन है अरे अल्लाह फरमाते अच्छा हाँ ये जो ज़मीन ख़लाओं के पैमाने नापने के लिए जब ऊपर गए ना तो वहाँ उन्होंने पैमाना बदल दिया हमारे यहाँ किलोमीटर और मील चलते हैं भाई कराची कितनी मील है कितने मील है मुल्तान कितने मील है पिंडी कितने मील है इतने किलोमीटर है ये बात चलती है भाई चलो अफ्रीका कितने किलोमीटर है ये चलती है बात लेकिन ऊपर जाके पैमाने बदल गए फासले इतने बड़े हैं वसुत इतनी ज़्यादा हैं दुनिया के पैमाने वहाँ चल ही नहीं सकते वहाँ कौन सा पैमाना चलता है ये बताएं हम्म लाइट ईयर नूरी साल कायनात की वसूतों को जब इंसान ने देखा और समझा कोशिश की समझने की तो फिर वहां के उसने पैमाने सोचे तो उसने वहां का जो पैमाना क्या बनाया लाइट की इस रोशनी की रफ्तार को लिया रोशनी की रफ्तार कितनी है एक लाख छियासी हजार मील एक सेकंड के अंदर एक लाख छियासी हजार मील फी सेकेंड की रफ्तार से इंसान यहां से सफर करना शुरू करे तो बाद सितारे एक करोड़ मील एक करोड़ साल के बाद आएंगे एक नूरी साल क्या होता है कि एक लाख छियासी हजार मील मील फी सेकेंड की रफ्तार से सफर करना शुरू करें नॉन स्टॉप पूरा साल इस स्पीड से सफर करें तो एक नूरी साल तो कितना सफर होगा हम नहीं सोच सकते दुनिया वाले इसको समझ नहीं सकते लेकिन सितारे आपस में कितनी कितनी दूर है जमीन से तो बाद सितारे ऐसे हैं जो चौदह अरब नूरी साल पे हैं ये कितनी वसूतों का मालिक है वो परवरदिगार और ये फैलती चली जा रही है अभी ये नहीं कि मुकम्मल हो गई ये ये फैलती चली जा रही है अल्लाह इसको बढ़ाते चले जा रहे हैं खुद अल्लाह ने कुरान में फरमाया इसको वसत दिए चले जा रहे हैं एक निजाम है अरब का अच्छा फरमाया कि आसमानों के निजाम को देख लो जमीन के मामला को देख लो जमीन के अंदर मुख्तलिफ लेर साइंसदानों ने बताई शरीय में कहा सात जमीने हैं लेकिन ऊपर वाली जमीन पे कुछ और मदनियात और नमकियात और चीजें हैं नीचे वाली जमीन पे कुछ और हैं और उसके नीचे जो कोर है उसके अंदर एक बहुत अंदर जाके एक कोर आती है छोटी सी उसके अंदर बताते हैं कि इतनी गर्मी है जितनी सूरज के अंदर और जमीन के ऊपर अल्लाह ने समंदर को भी बनाया हमें जमीन में जितनी मखलूक नजर आती है ना एक अंदाजे के मुताबिक ये छह से सात परसेंट है नाइन्टी थ्री फोर परसेंट जिंदगी मखलूक ही समंदर के अंदर है और समंदर में जैसे ब्लू वेल जैसी बड़ी बड़ी मखलूकत हैं ये जमीन के ऊपर आ ही नहीं सकती जमन, समंदर ही में रह सकती हैं तो समंदर का पानी हमारे लिए पीने के लिए भी है वहां से ऑक्सीजन भी इंसान को 50 टू 80 परसेंट ऑक्सीजन समंदरों से अल्लाह दे रहे होते अल्लाह ने एक ऐसा मुन निजाम बनाया हुआ है अच्छा जी अल्लाह फरमाते हैं वफी कुमलात मफलात तो सरून अरे मेरे बंदे अपने अंदर ही देख लो खुद तुम्हारे अपने वजूद में भी क्या कुछ उसने बनाया है तुम्हें दिखाई नहीं देता अफलात तो उफ तो मकल से काम नहीं लेते हो तो इंसान अगर अपने अंदर भी देखे तो बहुत कुछ इंसान के अंदर है सबसे पहले तो देखे इसको बनाया कहां से रॉ मटेरियल क्या है गंदा नापाक पानी वहां से फिर खून का लोथड़ा फिर जिस्म बना हड्डियां बनी फिर जिसम की तकमील हुई फिर रूह डाली गई फिर नौ महीने के बाद उसको बाहर लाया गया फिर इंसान के जिस्म में जो अल्लाह ने बनाया नौ महीने में हर इंसान के जिस्म के अंदर सैकड़ों मशीनरियां अलग अलग काम कर रही हैं आंख का अलग फंक्शन हाथ का अलग फंक्शन इस कोनी का अलग दिल का अलग गुर्दे का अलग जिगर का अलग फेफड़े का अलग घुटने का अलग ये सैकड़ों मशीनरियां अलग दिमाग के अंदर अलग 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 मशीनरियां काम कर रही हैं और ये साठ सत्तर साल काम करती रहती हैं इंसान के आजा ये साठ साल बाद भी घिसते नहीं हाथ पाऊ ये गाड़ी वाले बैठे इनसे पूछे कहते हैं जी इतने किलोमीटर बाद टायर चेंज कर लो घिस गया आप तो हमने कितने किलोमीटर के बाद पाऊ चेंज करने होते हैं ये हमारे हाथ दिन रात इस्तेमाल हो रहे हैं हर वक्त हरकत में कभी घिसा किसी का हाथ दिखाओ भी किसी का हाथ घिसाओ कुछ भी नहीं ये जोड़ कैसे जबरदस्त है अगर फौलाद के भी कोई बनाए ना तो सत्तर साल उसको इस तरीके से रिबोट बनाया जाए बेहतरीन किस्म का और सबसे अच्छा मटेरियल उसमें यहां दुनिया में मौजूद लगा लिया जाए सत्तर साल नहीं चल सकता वो अपनी इस तरीके से लही का बनाया हुआ निजाम है फिर देखें ये इंसान का जो चेहरा है कितनी इसका कितना साइज होगा ये देखें नौ दस इंच ऐसे होगा कोई दादा दादा दस इंच और दस इंच में एक दादा ही लगा रहा हूं इस दस इंच के रकबे में अरबों नक्शे तो अभी जमीन पे मौजूद हैं जिंदा हम जितने यहां बैठे हैं हर एक का यह दस इंच का चौकठा अलग अलग डिजाइन का है है कि नहीं किसी का रंग अलग किसी का डिजाइन अलग पहचान में आ रहा है भाई ये आसिफ साहब बैठे हैं ये जनाब हाफिज साहब बैठे हैं ये अहमद साहब बैठे हैं ये मौलाना साहब बैठे हैं काशिफ साहब बैठे हैं वालिद साहब बैठे हैं वो, वो, वो जी नूर साहब बैठे हैं वो मोहम्मद अली साहब बैठे हैं तो सब पहचान में आ रहे हैं लेकिन अगर इस खाल को निकाल दिया जाए खोपड़ियां अंदर सबकी एक जैसी दिल सबका एक जैसा जिगर सबकी फिटिंग बिल्कुल बराबर गुर्दे की फिटिंग बिल्कुल बराबर एक ऐसा डॉक्टर जिसने पाकिस्तान में डॉक्टरी सीख ली वो दुनिया में कहीं चला जाए काफिर हो या मुसलमान काला हो या गोरा अंदर की ही है डॉक्टर ने नफ्स चेक करनी है ना उसको पता है मैंने अंगूठा कहां रखना है वो मेरी कलाई पे रखे या सात अरब में से किसी की कलाई पे रखे अंदर वो नब्स वही होगी मेरी शहरक जहां है इन सात अरब जिंदा मौजूद लोगों की शहर भी वही होगी उसमें कोई फर्क नहीं ये चीजें बताती है कि इस सारे निजाम को बनाने चलाने वाला कोई एक है फतेह खाल अल्लाह खुद फरमाते हैं अपनी तारीफ फरमाते कैसा बरकत वाला कैसा खूबसूरत निजाम उसने बनाया इधर थोड़ा सा फर्क कर दिया इतना फर्क के इंसान पहचान में आ रहा है अरबों में भी पहचाना जा रहा है लेकिन आंखें सबकी दो नाक सबकी एक होंठ सबके दो हाथ सबके दो पाऊं सबके दो एक ही अंदाज से घुटने सबके एक जैसे पूरा अंदर का निजाम एक जैसा फिर ये, ये पोरों के ऊपर जो निशान होते हैं फिंगरप्रिंट्स आजकल तो हर जगह बायोमेट्रिक का रिवाज आ गया ये सात अरब तो अभी मौजूद हजार आदमी से लेके आज तक कितने आए और चले गए अल्लाह के सिवा कोई नहीं जा सकता उसकी मरदम शुमारी कोई नहीं कर सकता दुनिया के सारे इदारे मिल के नहीं गिन सकते आप आने हैं क्यामत तक कितने वो भी नहीं पता सात अरब से ज्यादा तो अभी मौजूद यानी बहुत बड़ी तादाद कहा जा सकता है कि खरबो इंसान इन खरबों इंसानों के पोर अलग अलग कितने डिजाइन है उसके पास इस फिंगरप्रिंट्स के फिर एक मां का अगर ट्विन बच्चा पैदा हो कोई मां हो बच्चा पैदा हो एक ही वक्त में दो बास कहीं तीन भी पैदा हुए ये जो दो ट्विन पैदा होते हैं इनके भी फिंगरप्रिंट अलग अलग और अंदर जिस कारखाने में ये तैयार हो रहा है वो अंधेरों के अंदर छोटी सी जगह है मां के पेट के अंदर जहां ये सब कुछ कारीगरी चल रही है दुनिया में कोई चीज बनानी हो चलो गाड़ी ही की मिसाल बार बार आगे इसी की ले लें जहां गाड़ी असंबल करनी है ना वहां टायर कहीं से पहुंच रहा है स्टेरिंग कहीं से पहुंच रहा है बैटरी कहीं से पहुंच रही है इंजन कहीं से पहुंच रहा है और सबकी बनाने वालों की फैक्ट्रियां अलग और उनके रॉ मटेरियल उनकी डिटेल्स डिटेल, बिल्कुल अलग 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 वो सब अपने अपने पुर्जे बना के यहां लेकर आ रहे हैं और ये लोग जनाब उसको असम्बल कर रहे हैं तो कितनी जगह चाहिए और इतना बड़ा इंसान जिसके अंदर ऐसी ऐसी चीजें अल्लाह ने रखी हुई हैं ये कितनी छोटी सी जगह के ऊपर तैयार हो रहा है और रॉ मटेरियल गंदा पानी ऐसा है कोई बनाने वाला ऐसी कुदरत वाला कोई भी नहीं है वो एक ही है अल्लाह अल-खालिक जला जल्ला जल्ला। इंसान अगर अपनी पैदाइश से लेके मौत तक के हालात और तगजरात पर गौर कर रहे इसको अल्लाह तक पहुंच जाएगा फिर तबीयतें मुख्तलिफ मिजाज मुख्तलिफ फिर कितनी दफा ऐसा होता है कि तबियत और मिजाज के मुख्तलिफ लोग किसी एक बात के ऊपर जमा भी हो जाते हैं और फिर उसके लिए वो जान भी दे देते हैं

कायनात का एक एक जर्रा अल्लाह इज़्ज़त के होने की गवाही दे रहा है अगर कोई आपके आके ये कह दे अगर कोई शख्स आए अगर कोई शख्स आए और आपको आके ये कहे कि खाम लोहे ने और कोयले ने आपस में जोड़ पैदा कर लिया और उन्होंने अपने आपस के इत्तेफ़ाक से एफ़ल टावर बना दिया तो एफ टावर बन गया इतफाक से को मानेगा ऐसा जो भी वो खबर लेकर आएगा वो तेरा दिमाग खराब है ये कैसे हो सकता है कि लोहा कोयला इकट्ठे हो जाए और जनाब टावर भी बना लें ये कैसे हो सकता है। जब एक एफएल टावर नहीं बन सकता खुद ब खुद, तो जमीन और इसके खत्म ना होने वाले असरार और, और बरकते और फिर ये कायनात ये बगैर बनाने वाले के कैसे बन सकती फिर, फिर ये जमीन अपने मदार पे चल रही है एक एक घूम रही है एक अपने ऑर्बिट पे चल रही है उस फजा में खला में और भी चल रहे हैं लेकिन एक दूसरे से टकराते नहीं सब अपने अपने मदार में चल रहे हैं तो ये बनाने वाला कोई एक ही है और वो अल्लाह है फिर जमीन के ऊपर जानदार बेहिसाब आप मट्टी का अभी कहीं से जाए मट्टी पकड़ के ना थोड़ी सी ले लें उसको गौर करेंगे उसके अंदर भी कोई ना कोई आपको जानदार मिल जाएगा जो हमें नजर ऐसे नहीं आएगा लेकिन उसमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा और जानवरों की तादाद इंसानों से बहुत ज्यादा पौधों के ऊपर चले जाए तो वो एक अलग दुनिया इस सब अल्लाह इज़त ने बनाई अल्लाह तला ने फरमाया, इंसान, फरमायाबिकल करीमी खल का फायद फीबक इंसान तुझे किस चीज ने अपने परवर से धोखे में डाल दिया जो बड़े क्रम वाला है जिसने तुझे पैदा किया तुझे ठीक ठीक बनाया फिर तेरे अंदर अर्तदाल पैदा किया फिर जिस सूरत में चाह उसे तुझे भी तैयार कर दिया जोड़ दिया इतवाजन अल्लाह ने इंसान के अंदर कायम रखा इंसान के जिसम का हर हर उज ये बेहतरीन एतदाद और तवाजुन की काम बेहतरीन मिसाल है आंख जितनी होनी चाहिए थी जिसम में उतनी ही है ये और बड़ी कर दें या और छोटी कर दें नहीं जितनी होनी चाहिए थी उतनी ही अल्लाह ने रखी इंसान जब पैदा होता है छोटा सा जब मादर से बाहर आ रहा होता है तो दिमाग की है ये जो खोपड़ी की हड्डियां होती है ना खोपड़ी की ये बड़ी नरम होती है किसने बाहर आना है अगर ये सख्त हो तो क्या होगा हड्डी टूट सकती है और इंसान का दिमाग जो सबसे ज्यादा अहम चीज है वो मुतासर हो सकता है जब ये आता है बाहर तो ये सख्त हो जाता है फिर दोबारा जिंदगी भर अंदर दिमाग को अल्लाह ने महफूज रखने के लिए खोपड़ी को सख्त कर दिया दिमाग तो इंतहाई नाजुक तरीन चीज है उसको हवा में रख दो हाथ लगा लो कोई चीज लग जाए वो तो डिस्टर्ब हो जाएगा वो अंदर ऐसा है हम सर ऐसे हिलाएं ऐसे हिलाएं रोड सो रहे जाग रहे करवट बदल रहे हैं वो अपनी जगह महफूज है ये सब अल्लाह रबुल्जत का निजाम छोटा बच्चा पैदा हुआ अब उसकी हड्डियाँ बढ़ रही हैं टांग की हड्डी एक हद तक बढ़ेगी ये ना की भी तो हड्डी है इसने एक हद तक बढ़ना है ये टांग की तरह बड़ी नहीं होगी ये रान की तरह बड़ी नहीं होगी तो जिसम के सारे आजा एक मुनासिब अंदाज से एक तो बनाए हुए रब के तरीके के मुताबिक बढ़ते हैं उसके बाद बढ़ना बंद हो जाता है इसे ना बालों को देख लीजिए सर के बाल निकलते चले जा रहे हैं आप काटते चले जाए आते जाएंगे आते जाएंगे लेकिन ये वाले बाल ये उस तरह से नहीं आएंगे कभी किसी ने ये वाले बाल सोचे कि जितने लंबे हो गए फैल गए इनको काट लो भाई सर के बाल ना काटो तो ये बहुत नीचे आ जाएंगे ये वाले बाल नहीं आते एक और बात अल्लाह रबुल्जत ने तमाम मखलूक को जमीन के ऊपर आप देखें ऐसे पैदा हुआ किया है कि उनका सर नीचे है और खाना खाने के लिए उनको सर नीचे ले जाना पड़ता है गाय को देख लें बैल को देख लें कुत्ते को देख लें हिरन को देख लें खरगोश को देख लें किसी और जानवर को देख लें उसका सर नीचे होगा खाने के लिए नीचे जाना पड़ेगा अल्लाह ने इंसान को इज्जत दी इकराम दिया इसका सर ऊंचा बनाया और डिस्क इसके मुंह तक आता है ये हाथ से ऊपर लेकर आता है ये नीचे जाके के कवे की तरह ज़मीन पे ठोंगे मुर्गे की तरह नहीं मारता दाना चुगने के लिए इसको नीचे नहीं जाना पड़ता क्यों इसमें अल्लाह बता रहे हैं कि मेरे बंदे तूने रिस्क के सामने नहीं झुकना तो उन्हें गैर के आगे नहीं झुकना तो उन्हें सिर्फ मेरे आगे झुकना ये रिस्क तेरे मुंह तक आएगा ये मेरा एक निज़ाम है तूने ना रिस्क के लिए झुकना ना किसी गैर के आगे झुकना तेरा सर सिर्फ मेरे आगे झुके अगर इंसान का सर भी नीचे की तरफ झुकता होता तो फिर अल्लाह ताला ने जो ये मुतालबा किया है ना कि ये सर मेरे सिवा कहीं ना झुके ये कैसे पूरा होता जब अल्लाह ने मुतालबा रखा कि तुम्हारा सर मेरे गैर पे नहीं झुकना चाहिए अल्लाह ने इंतजाम भी ऐसे कर दिए कि इंसान का सर अगर ये चाहे तो फिर कहीं और ना झुके बस रब के दर पे झुके तो मोमिन ने रिस्क के आगे नहीं झुकना रजाक के आगे झुकना है गैर अल्लाह के आगे नहीं झुकना अल्लाह के आगे झुकना ये हमें सबक दिखा सिखाया और बताया गया एक और भी बात है तख्लीक की नस्बत खालिक कहना ये अल्लाह के अलावा किसी को जायज नहीं है बहुत सारे मुशविर जो है ना वो शाहकार बनाते हैं पेंटिंग बनाते हैं जी इनकी तखलीक है जी ये मुनासिब नहीं है उनकी काविश कह लें कोई और अच्छा जुमला तलाश कर लें तख्लीक का असल मफहूम क्या है ये जो खल्क है ना इसकी डेफिनेशन क्या है समझ लीजिए किसी चीज को आदम से वजूद में लाना जाती बलबूते पे मैंने इसको आसान करके बताया जो लिखा हुआ है सुन लीजिए किसी चीज़ को आदम महज से कुदरत के बल पर वजूद में लाना कि जिसका कोई वजूद न हो और इंसान अपनी जाति कुदरत के बलबूते पे उसको वजूद दे ये है खल ये तख्लीक करना होता है तो जो मशविर है वो ऐसे तो नहीं करते बाकी तख्लीक जो हम जिनको तख्लीक कह देते हैं वो तो ऐसे नहीं कर सकते वो सिर्फ अल्लाह है हर मुसलमान का यकीदा होना चाहिए कि मुझे पैदा करने वाला अल्लाह मेरे माँ बाप को औलाद की सूरत में मुझे उनको दिया तो अल्लाह ने दिया मुझे औलाद देगा तो अल्लाह देगा हर जानदार में रूह डालने वाला अल्लाह अल्लाह फरमाते लाही समावाद यखलुकुम ये सारे आसमानों में और जमीनों में सल्तनत अल्लाह की है सारे आसमानों में और जमीन में सल्तनत किसकी अल्लाह की, अल्ला की। जो चाहता है पैदा कर देता है इनाशा वालय विज़ वा अकीमा इन नलीर सारे आसमानों और जमीन की सल्तनत अल्लाह की है वो जो चाहता है पैदा करता है जिसे चाहता है लड़कियां देता है जिसे चाहता है लड़के देता है जिसे चाहता है लड़के लड़कियां मिला जुला के दोनों दे देता है और जिसे चाहता है कुछ नहीं देता बांझ बना देता है यकीन भी मालिक है और कुदरत का भी मालिक है यहां कुदरत का भी इधार किया और इल्म का भी इधहार किया अल्लाह जा, जानता है कि किसके लिए क्या बेहतर है किसको औलाद देना बेहतर है किसको ना देना बेहतर है ये उसी का इल्म है और वो कामिल है अब यहां दो तीन बातें हम सुन लेते हैं फिर इस बात को मुकम्मल करते हैं यह हमारा यकीन है कि अल्लाह जिसे चाहे बेटे दे बेटियां दे मिला जुला के दे कुछ ना दे उसकी मर्जी किसी और की इसमें कोई गुंजाइश नहीं फिर ने बड़ी कोशिश की मूसा पैदा ना हो लेकिन अल खालिक वो चाहते थे अल्लाह ने कर दिया पैदा नहीं रोक सका कोई कि जो कहते हैं ना औलाद नहीं हो रही बंदिश की भी है आज भी किसी का मैसेज आया जी शादी नहीं हो रही बंदिश है बंदिश का हल बता दू रिस्क की बंदिश हो गई फला बंदिश हो गई तमाम बंदिशों का एक आसान हल बता दू पक्की बात मान लेंगे या नहीं मानेंगे चलें आपने बंदिश का खौफ दिल से निकाल दिया बंदिश खत्म हो गई बस सादा सी बात आपने बंदिश का खौफ अपने दिल और दिमाग से निकाल दिया बंदिश उसी वक्त खत्म हो गई जब तक ये खौफ दिल और दिमाग पर सवार है तो क्या करेंगे इस आमिल के पास उसके पास उसके पास उसके पास मेरा अपना एक तजुर्बा है खानदान में भी बात हमारी औरतें कुछ ऐसी हैं और इस तरह से सुनने में बातें आती रहती हैं मुझे भी लोग कहते रहते हैं कि जी आप ये अमल बताएं कुछ बताएं एक दिन मैं बेगम को कहने लगा इधर कोई हम बोर्ड लगा लेते हैं आस्ताना आलिया कोई नाम आगे लिख देते हैं तो कोई ज़रूरत ही नहीं कारोबार करने की तो खुद ही यहाँ पे बकरे भी आएंगे और जाफ़रान भी और जनाब जो चाहे मंगवा लो अब तो ऑनलाइन पैसे आते हैं तो सब कुछ होता है लोगों का दिमाग तो खुद ही सेट है पहले से हमें क्या करना है हमने तो खाली बहती गंगा में हाथ धोने बस अल्लाह महफूज रखे क्या बात करने लगा जिस पर जिसपे ताने की बात आ गई बहुत दिमाग से निकल गए खैर वो पॉइंट आया था निकल गया अभी इंशाल्लाह हो सकता है आ जाए जैसे अल्लाह की मर्जी बिस्मिल्लाह हाँ तजाकल्ला ये सबसे ज्यादा तवज्जो से ये सुन रहे हैं भाई मैं अपना मुशाहिदा तजुर्बा बता रहा था कि जो लोग आमिलीन के पास जाते हैं ये कुछ अरसा एक आमिल के पास उसके बाद दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा फिर पांचवा जो लोग 20 साल से आमिल जा रहे हैं ये हो सकता है दर्जनों आमिल तब्दील कर चुके हों आमिल के खिलाफ मैं नहीं हूं जो अच्छे और हक पर हैं जो अल्लाह से जोड़ते हैं जो धोखा नहीं देते जो बेपर्दगी नहीं करते लोगों को झूठ बोल के डरा के उनसे पैसा नहीं हथियाते जो ऐसे हक वाले कोई हों किसी को मिल जाए लाखों में कोई एक होता होगा तो ठीक है मैं तो बात करूं दो नंबर की ना लेकिन आप देखेंगे आप जिससे मर्जी पूछ लें, जो आमलिन के पास जाते रहते हैं वो हर थोड़े दिन बाद नया आमिल तलाश कर रहे होते हैं क्योंकि हमें भी लोग पूछते हैं ना जी इधर गए इधर गए इधर गए कहीं आप ही कुछ कर दें हम तो एक ही बात कहते हैं दो नफिल पढ़ के अल्लाह से मांगो मसला हल हो जाएगा वो ही करने वाला है बाबूजू रहो उसके ऊपर वाले तफसीलात अलग हैं तो बहर हाल ये जो कहते हैं ना जी बंदिश हो गई औलाद नहीं हो रही अल्लाह कह रहे मैं जिसे चाहता हूं देता हूं तो कोई रोक नहीं सकता एक बात दूसरी बात हमारे यहां बाद जगह ना विंद अपनी बीवियों को या सास अपनी बहुओं को ताने देती हैं अब अगर बेटी पैदा हुई ना तो निकल बाहर तो इस घर में नहीं रह सकती सुना होगा आपने इस किस्म का हमारे माशरे में है हमारा ईमान और यकीन क्या कह रहे हैं अल्लाह ने फरमा दिया मैं जिसे चाहता हूं बेटे देता हूं जिसे चाहता हूँ बेटियां देता हूं तो उस औरत की तो मजाल ही नहीं है मर्जी कोई नहीं अब एक किसी तरह मुझे एक मैसेज आया खातून का कि जी पहले से तीन चार बेटियां हैं अब मुझे मिल गया वार्निंग मिल गई अब अगर बेटी हुई तो मुझे उसने कहा मैं घर से निकाल दूंगा कहने लगी अगर मेरे इख्तियार में होता तो क्या मैं बेटा ना पैदा कर लेती उसने मुझसे पूछा परेशान थी रो रही थी तो ये जो जुमला बोलता है मर्द या बहू को खासास बोला ये जुमला बोला कि अब के अगर बेटी हुई अब के अगर बेटी हुई तो बाहर निकाल दूंगी निकाल दूंगा ये ईमान वालों का जुमला है ये कुरान पर यकीन करने वालों की बात है ये कलमा पढ़ने वाले तो डूबरने का मकाम है उसका क्या इख्तियार है एक बात अब आ जाए जरा मेडिकल साइंस की तरफ अगर ये जुमला बोलना ना तो जरा बदल लें बोलना तो चाहिए ही नहीं ना मर्द का इख्तियार है ना औरत का इख्तियार हमारा तो असल हकीकत यकीन यही है लेकिन अगर ये जुमला होना बोलना भी हो तो बदलना चाहिए जेनेटिक साइंस ने ये बात आगे साबित कर दी है कि जब ये बच्चों के पैदा होने का सिलसिला होता है ना तो क्रोमोसोम्स होते हैं मर्द के अंदर अलग और औरत और के अंदर अलग एक्स वाई क्रोमोसोम में एक अलग तफसील है खुलासा ये है कि औरत के अंदर मर्द पैदा करने का क्रोमोसोम है ही नहीं वो मर्द ही के अंदर अल्लाह ने रखा फिर निशा हु हरसुल्लकुम ये तो खेती है खेती में गंदम डालो गंदुम निकलेगी जो डालो जो निकलेगा ये अक्सर जो मर्द का मामला है ना सारे का सारा ये मर्द ही के ये जो लड़के का मामला लड़के का मामला बेटे का मामला मर्द के क्रोमोसोम से मुताल्लिक रखता है तो भाई जो वो डालेगा वही निकलेगा जो डला वही निकला तो हकीकत तो यह है कि ना बेटी और बेटा होने में ना खाविंद का कोई इख्तियार है ना बीवी का कोई इख्तियार ये रब की मर्जी है लेकिन अगर इख्तियार की बात हो और जेनेटिक साइंस की इस रिसर्च को साथ ले लें तो माँ को अपनी बहू को यह कहना चाहिए तीन बेटियां हो चुकी हैं मेरी तीन पोतियां आ चुकी अब चौथा है ना अपने बेटे को निकाल दूंगी कि इसके अंदर तो वो चीज ही नहीं है कि बेटा पैदा कर सके इसके अंदर तो क्रोमोसोम ही नहीं है अवल तो कहना नहीं चाहिए कहना हो तो बजाय बहू के अपने बेटे को घर से बाहर निकालो या खाविंद बीवी को कहना हो तो अपने आप को बाहर निकाले कि कसूर तो मेरा है कमी तो मेरे अंदर है कि सिर्फ समझाने के लिए तर्ज इख्तियार है और न कुदरत रब की है कोई किसी को बाहर ना निकाले जो इसको अल्लाह ने औलाद दी है वो तो शुक्र अदा करे अल्लाह ने दिए कितने ऐसे हैं जिनके औलाद ही नहीं वो कहते हैं बेटी हो या कुछ हो तो उसकी मर्जी है फिर औलाद का होना ना होना उसकी मर्जी अगर किसी की बिल्कुल कोई औलाद नहीं है उसको अल्लाह की रजा पर राधी रहना चाहिए इसके भी फायदे है ये जो माहौल चल रहा है ना ये जो माहौल चल रहा है इस वक्त आज कल बे औलाद को गम कम है ज्यादा से ज्यादा अगर कोई गम है तो यही है ना कोई औलाद नहीं है औलाद वालों के गम जाके पूछें क्या है आप इसको जाके आजमा लीजिए हजरत माना यूसूल रुझानी रहमत ने एक किताब लिखी थी अलामत क्यामत के ऊपर बहुत अरसा पहले मैंने पढ़ी उसके अंदर एक हदीस थी तफसी और एक छोटी सी बात उसमें उस हदीस का एक हिस्सा सुना रहा हूँ रसूल फरमाया एक जमाना आएगा औलाद वाले ज्यादा परेशान होंगे बे औलादों से उसका मफहम बता रहा हूँ कि औलाद ने तिगनी का नाच नचाया हुआ होगा इसका ये मतलब नहीं कि औलाद मांगनी नहीं नरीना औलाद मांगनी नहीं नरीना औलाद के लिए चंद आमाल सुन लीजिए इस सखफार की कसरत। पुराने मजीद के अंदर आता है फकुलरु रकुम इन नफ़्फारमद गुम्बे बीन इस की कसरत नरीना औलाद देते हैं कुरान है अच्छा अधरा गौर करें हिजरत के बाद मुहाजर आ गए मदीना अपना घर कारोबार खानदान आबाई जगह सब छोड़ के तो दिल के अंदर एक गम तो होता है ना फितरी तौर पर एक अब जब मदीना तैयबा आ गए अब हर मुजा अब हर मुहाजर के यहां जो औलाद पैदा हो बेटी फिर कोई पैदा हो बेटी तो बेटियों की लंबी लाइन लग गई बेटा कोई नहीं कुछ दिनों में बात मशहूर हो गई और जनाब उस इलाके में उस जमाने में क्या मशहूर हो गया कि यहूदी जो जादू में सबसे ज्यादा बंदिशें वगैरह करने में सबसे ज्यादा हैं जादू वगैरह में इन्होंने बेटों पे बंदिशी लगा दी उस जमाने में भी इस तरह के फितने थे फिर तो रब्बुल इज़्ज़त ने बेटा दिया और उसके बाद फिर वो बात खत्म हो गई अल्लाह से सहाबा ने मांगा वो इनफरादी मसला नहीं बन गया था वो तो एक उन्होंने ताना बना लिया था और अपनी फतेह का और अपनी खुशी का एक जरिया बना लिया था अल्लाह ताला इम्तिहान लेते मोमिन का इम्तिहान था फिर अल्लाह बातिल को तोड़ना भी चाहते थे अल्लाह ने बातिल को तोड़ दिया तो इस्तार की कसरत एक काम दूसरा काम रबी हबली हर इब्राहिम की दुआ है नरीन ओलाद के लिए रबीला तजरनी फरदान तैर वबारिस ये नरीन ओलाद के लिए दुआ है पुरानी मजिद में है हजरत करियलाम ने मांगी तो दुआओं का अहमाम हो और अल्लाह की रजा पे राजी रहे इसके लिए इलाज भी होते हैं इलाज भी कराने चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा इसके इलाज में जाने से औरत बीमार हो जाती है जो फिर अंदर मसाइल पैदा होते हैं ना वो फिर बाद में परेशानी का ज़रिया बनते हैं तो एक मुनासिब हद तक इलाज करना ये अच्छी बात है कर सकते हैं करना चाहिए लेकिन ये कहना कि तेरी वजह से नहीं हो रही मेरी वजह से नहीं हो रही बंदिश हो गई फला हो गया ये बातें गलत हैं अल्लाह ने फरमा दिया सारे आसमानों और जमीनों की सल्तनत अल्लाह की समावादी वाल बादशाहत उसकी है यखलकुमा या, या शाह जिसे चाहता है पैदा करता है यह बोली मई ऐशा इनासा हुआ यह बोली मई ऐशा उकुर औ जुकुरान व इनासा वह जालू मई ऐशा उकीमा इन नलीम उन जिसे चाहता है बेटे देता है जिसे चाहता है बेटियां देता है मिला जुला के जिसे चाहता है देता है जिसे चाहता है कुछ नहीं देता वो इलम वाला है वो कुदरत वाला है हर दुआ को कबूल कराने का एक वजीफा सुन लीजिए जो हदीस के अंदर आता है हर तमन्ना पूरी होगी ये वो बात नहीं है जैसे लिखा होता ना हाँ एक बात और चंद दिन पहले मैंने कुछ जिक्र किया ना किसी नामों में तो मैंने आमिल के साथ बंगाली भी कह दिया तो एक साहब ने मुझे फिर डांटा तंबी की जी बंगालियों को आपने गाली दे दी बुरा कह दिया या उनको आप उनकी तोहिन कर रहे हैं तो हमारे यहां मैंने उनको भी बता दिया था हमारे यहाँ ना दीवारों पे आमिल बंगाली लिखा होता है बाज मरतबा और हिंदू और सिख और ईसाई भी आमिल बड़े आगे ये कलमा पढ़ने वाले हिंदुओं के पास जाते हैं अमलियात के लिए इससे ज्यादा और क्या शिरको बेदात की बातें हों कलमा पढ़ने वाले तो उस वक्त बंगाली से मुराद ये आमिल बंगाली ये जो लगे होते हैं बंगाली कौम या पाकिस्तानी कौम या कोई कौम नहीं बुराद थी वो मुराद थी तो उसमें लफ्ज ये पुराना निकला होगा तो बातचीत में ऐसा हो जाता है तो मैंने कहा इसको वाजे में उनको कहा था मैं जी जरूर करूंगा तो कोई इसको नेगेटिव ना ले गलती हो सकती है जुबान आगे पीछे हो जाती है अल्लाह ताला माफ़ फरमाए हर दुआ कबूल होने के लिए वजीफा सुन लीजिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स सुबह शाम ये कलेमात पढ़े मेरा उम्मती कोई शख्स ये कलेमात सुबह शाम पढ़े उसके बाद जो दुआ भी मांगेगा कबूल हो जाएगी ये हदीस के अंदर ये बात आती है दुआ क्या है अल्लाहुम्मा अंता खलकतनी, तनी अंता खलक तनी अंता तहदीनी अंता तहदीनी अंता तुतमुनी व अंता वानता व अंता तस्कीनी व अंता तुमीतुनी, व अंता तहिनी इसका तर्जुमा सुन लीजिए अः अल्लाह तूने मुझे पैदा किया तू ही मुझे हिदायत देता है तू ही मुझे खिलाता है तू ही मुझे पिलाता है तू ही मुझे मौत देगा तू ही मुझे जिंदा करेगा इसके बाद इंसान दुआ मांगे अल्लाउमानता खलक तनी वानता तहदीनी वानता तु तमुनी वानता तस्की वानता तुम्हें तुनी वानता तहयनी और मैंने इन हजरात को कहा वह कि जब ये रिकॉर्ड करें तो लिख दिया करें पिछली मरतबा एक इन्होंने से भी गलती हो गई वो दुआ क्या थी दो सजदों के दरमियान जब पढ़ते हैं बैठ के अल्लाह मकफली वरमनी वजबुर्नी वहदनी वर ज़ुखनी तो वजबरनी बीच में आता है तो इन्होंने उसको आगे कर दिया और पता नहीं कौन कौल पीछे कर दिया जो हदीस में वो तो मुझे याद है अल्लाह मकफरली वरनी वजबुर्नी वह दिनी वर जुखनी ये पढ़नी चाहिए और इस दुआ में पाँच दुआएं बंदा मांग रहा होता है अल्लाह से अब इन्होंने वो गलती कर दी है मुझे जगह जगह से मैसेज आ रहे हैं जी हजरत साहबी जो आपने व्हाट्सएप भेजा है क्लिप भेजा है इसमें ये गलती है ये गलती है ये गलती है बार बार आ रहे हैं मैं उनको पहले वाले की तो सुन के आगे बता दी आगे वालों को बता रहा हूँ यार बता दिया भाई ठीक हो रहा है तो इनको समझाने का मकसद ये कि ज़रा काम जिम्मेदारी से करें तो वरना फिर बाद में मुझे बड़े व्हाट्सएप सुनने पड़ते हैं चलें जी आज की बात मुकम्मल हो गई थोड़ी देर के लिए आखिर मुराबाबाखिर अलहमद रबी थोड़ी देर के लिए मुराकबा कर लीजिए आंखों को बंद कर लीजिए सरों को झुका लीजिए ये ख्याल करके बैठिए कि अल्लाह की रहमत आ रही है मेरे दिल में समा रही है और मेरा दिल कह रहा है अल्लाह 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 बीन सबीम करीम या रहमत से हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा हमारी तमाम परेशानियों को दूर फरमा तमाम गमों को दूर फरमा या अल्लाह अपने मकबूल बंदों में शामिल फरमा हर आने वाले वक्त को पहले से बेहतर फरमा या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत और कामिल तौफीक अता फरमा या अल्लाह हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा नबी करीम हम सबको अपने मकबूल बंदों में शामिल फरमा सल्लल्लाहु तआला अला आखिरी खल्क www.tasquran.com